क्लास टेंथ की साइंस बुक का केमिस्ट्री पार्ट से चैप्टर नंबर टू जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सोल्ट सबसे पहले हम देखेंगे एसिड, और सोल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में ताकि हम पहचान सके कौन सा सब्सटेंस एसिड है, बेस है या सोल्ट है सो सबसे पहले एसिड की प्रॉपर्टीज एसिड क्या होते हैं दीज आर सोर इन टेस्ट जो एसिड है वो टेस्ट में सोर यानी कि खट्टे होते हैं सेकेंड दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं थर्ड दे गिव हाइड्रोजन प्लस इन सोल्यूशन एच प्लस मीन्स हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन्स जब एसिड को वॉटर यानी कि एक्वस सोल्यूशन में मिक्स किया जाता है डाला जाता है तो वो हमें हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन्स देते हैं फोर्थ है एसिड कोरड मेटल्स जब कोई मेटल एसिड के कॉन्टेक्ट में आता है तो वो क्या कोरड होने लग जाता है यानी कि गलने लग जाता है या फिर कहेंगे उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है ठीक है वीक होने लग जाता है मेटल ठीक है एग्जाम्पल्स लेते हैं एसिड्स के तो कुछ स्ट्रांग एसिड्स के एग्जाम्पल लेते हैं स्ट्रांग एसिड जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड और भी स्ट्रांग एसिड होते हैं ठीक है ये मेन स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इसी तरह वीक एसिड्स वीक एसिड्स में हम बात करें तो एसिडिक एसिड 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 और सिट्रिक ये कुछ वीक एसिड्स के ऑक्सैलिक्पल हो गए अब एक एसिड का एग्जाम्पल ले लेते हैं कॉमन सा एग्जाम्पल जिसको हम यूज भी करते हैं तो हम लेंगे लेमन लेमन जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है एसिड लेमन में जो एसिड पाया जाता है वो है सिट्रिक एसिड ठीक है और जब ब्लू लिटमस पेपर को लेमन के कांटेक्ट में लाया जाएगा तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा आप यहां पर देख सकते हैं ये ब्लू लिटमस है जितना ये एसिड यानी कि लेमन जूस के कांटेक्ट में आया उतना ये रेड में चेंज हो गया ठीक है अब एसिड में दो टर्म्स आती हैं कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड तो ये क्या होते हैं कंसनट्रेटेड एसिड हम उसे कहेंगे जिसमें एसिड एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो और वाटर की क्वांटिटी कम हो तो उसे का आ जाएगा कंसंट्रेटेड एसिड ठीक है और डाइल्यूटेड एसिड डाइल्यूट एसिड डाइल्यूट एसिड में जो है वो एसिड एसिड की क्वांटिटी कम होती है और वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है ठीक है तो उसे कहा आ जाएगा डाइल्यूट एसिड या फिर हम कह सकते हैं कि जो कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं अगर इसमें वाटर ऐड कर दिया जाए तो ये डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं ठीक है अब देखते हैं बेसिस की प्रॉपर्टीज तो बेसिस क्या होते हैं दीज आर इन टेस्ट बेसिस जो हैं वो टेस्ट में बेटर यानी कि कड़वे होते हैं सेकंड दे टर्न रेड रेड टू ब्लू बेसिस जो होते हैं वो रेड लेटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं बिल्कुल एसिड का अपोजिट एसिड में क्या होता है ब्लू रेड में कन्वर्ट हो जाता है और बेसिस में रेड लेटमस जो है वो ब्लू में कलर में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है थर्ड दे गिव ओ एच यानी हाइड्रो ऑक्सील भी कह सकते हैं हम इसे और हाइड्रो ऑक्साइड भी ठीक है तो जो बेसिस होते हैं जब उन्हें एक्वस सोल्यूशन यानी कि वाटर सोल्यूशन में डाला जाएगा तो वो क्या बनाएंगे हाइड्रो ऑक्सील या फिर हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनाएंगे नेगेटिव ठीक है और ज्यादातर जो बेसिस होते हैं वो सोपी इन टच टच अगर हम करेंगे किसी ज़्यादातर बेसिस को वो टच में सोपी होते हैं जिस तरह से सोप होता है उसी तरह से ही ये होते हैं टच में ठीक है कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं बेसिस के तो स्ट्रोंग बेसिस के कुछ एग्जाम्पल एन यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड सेकेंड है के यानी कि पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड थर्ड सी यानी कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए हैं स्ट्रोंग बेसिस के उसके बाद है वीक बेसिस वीक बेसिस है NH4 फोर यानी कि अमोनिया और ओ एच यानी कि अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड तो ये एक वीक बेस है अब एक एग्जाम्पल लेते हैं बेसिस का जो हम कॉमनली यूज करते हैं तो सोप जो सोप होता है उसमें एक बेस पाया जाता है एन ए ओ एच ठीक है ये वाला बेस सोप और डिटर्जेंट्स में पाया जाता है ठीक है इसी से बने होते हैं सोप और डिटर्जेंट्स ज्यादातर ठीक है सो so, जो भी सोप होता है जब रेड लेटरस पेपर को आप सोप के कॉन्टेक्ट में लाओगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है थीके? ये बिल्कुल रियल इमेज है ठीक है अब बेसिस में एक स्पेशल टर्म आती है एलक्लीज एल्क्ज क्या होते हैं दीज आर बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वोटर एल्क्ज ऐसे बेसिस होते हैं जो वोटर में सोल्यूबल यानी कि मिक्स हो जाते हैं जैसे हमारे सोप या डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो इजीली मिक्स हो जाते हैं और वो किससे बने होते हैं एन यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को एल्कलीज कह सकते हैं ठीक है क्योंकि ये वाटर में इजीली मिक्स हो जाते हैं सो so, पीछे वाले पेजेस पर पढ़ा हमने एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज के बारे में तो सपोज कीजिए हमें कोई सब्सटेंस गिवन है एक्स हमें बताना है कि इसका नेचर कैसा है एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है सो so, तो आप कहेंगे कि इसका हम इसे टेस्ट करेंगे अगर ये टेस्ट में सोर हुआ यानी कि खट्टा हुआ तो हम इसे कहेंगे एसिड और ये टेस्ट में बिटर यानी कि कड़वा हुआ तो हम कहेंगे इसे बेस लेकिन केमिस्ट्री में किसी भी सब्सटेंस को टेस्ट करना प्रीफर नहीं किया जाता है क्योंकि इसके टेस्ट करने से हमारी लाइफ पर हमारी लाइफ डेंजर में आ सकते या फिर हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है ठीक है तो इसे टेस्ट नहीं कर सकते तो हम किस तरह से पता लगाएंगे कि ये एसिड है या बेस है तो इसका पता लगाने के लिए हम यूज़ करेंगे इंडिकेटर्स का इंडिकेटर्स क्या होते हैं दीज आर दब्स्टेंसेज विच चेंजेस देयर कलर स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेज इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अपना कलर और स्मेल चेंज करते हैं जब ये अलग अलग सब्सटेंसेज के कॉन्टेक्ट में आते हैं यानी कि जब ये एसिड के कॉन्टेक्ट में आएंगे तो इसका कलर डिफरेंट होगा और बेस के कांटेक्ट में आएंगे तो इसका कलर डिफरेंट होगा इसी तरह से स्मेल भी डिफरेंट डिफरेंट होगी जब ये अलग अलग सब्सटेंसेज के कॉन्टेक्ट में आएंगे ठीक है अब इंडिकेटर्स के टाइप्स की बात करते हैं तो टाइप ऑफ इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स के टोटल तीन टाइप्स होते हैं ठीक है तो एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं तो इंडिकेटर का फर्स्ट टाइप है नेचुरल इंडिकेटर्स नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं दोस इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स कोल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स नेचुरल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें नेचर या फिर प्लांट से मिलते हैं उन्हें तो हम कहेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स इसके एग्जाम्पल्स ले लेते हैं एग्जाम्पल्स में सबसे पहला इसका लिटमस तो लिटमस पेपर के बारे में पीछे भी पढ़ चुके हैं लिटमस पेपर जो कि प्लांट से मिलता है हमें ठीक है और ब्लू लिटमस पेपर जब एसिड के कॉन्टेक्ट में आएगा तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है इसी तरह से रेड कलर का लिटमस पेपर जब बेस के कॉन्टेक्ट में आएगा तो ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल है टर्मरिक टर्मरिक यानी कि हल्दी हल्दी या फिर टर्मरिक कहें जिसे ये इसका कलर येलो होता है तो एसिड के कॉन्टेक्ट में जब ये आती है तो इसका कलर येलो ही रहता है इसके कलर में कोई चेंज नहीं आता है लेकिन जब टर्मरिक बेस के कॉन्टेक्ट में आएगी तो इसका कलर रेड हो जाता है इंडिकेटर्स का सेकेंड टाइप है सिंथेटिक इंडिकेटर्स सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं दीज आर केमिकल सब्सटेंसेज ये केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं यानी कि इन्हें लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है सो so, इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है मिथिलिन ऑरेंज मिथिलिन ऑरेंज जब एसिड के कॉन्टेक्ट में आएगा तो इसका कलर हो जाता है रेड ठीक है और जब मिथिलिन ऑरेंज बेस के कॉन्टेक्ट में आएगा तो इसका कलर हो जाता है येलो ठीक है इसी तरह से सिंथेटिक इंडिकेटर्स का सेकंड एग्जाम्पल है फेनोफ्थलीन फेनोफ्थलीन जब एसिड के कॉन्टेक्ट में आएगा तो इसका कलर जो है वो वॉटर की तरह हो जाता है यानी कि कलरलेस ये कोई कलर शो नहीं करता है लेकिन जब फेनोफ्थलीन बेस के कॉन्टेक्ट में आएगा तो ये इस तरह का कलर शो करने लगता है इसे वॉयलेट कहें या फिर डार्क पिंक कहें ठीक है डार्क पिंक या फिर वॉयलेट कलर ये शो करने लगता है इंडिकेटर्स का थर्ड टाइप है फैक्ट्री इंडिकेटर्स फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं दीज सब्सटेंसिज हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड्स एंड बेसिस ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका ऑर्डर यानी कि स्मेल जो है एसिड और बेसिस के साथ अलग अलग होती है ठीक है तो इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं जैसे वनीला एसेंस वनीला एसेंस के बारे में आपने सुना होगा जो कि आइसक्रीम फैक्ट्रीज वगैरह में यूज किया जाता है आइसक्रीम को फ्लेवर देने के लिए तो वनीला एसेंस जो कि ओल इंडिकेटर होता है जब ये एसिड के कॉन्टेक्ट में आता है तो इसकी स्मेल जो है वो इंक्रीज होने लग जाती है बहुत तेजी के साथ ठीक है बहुत तेज स्मेल इसमें से आती है लेकिन जब वनीला एसेंस बेस के कॉन्टेक्ट में आएगा तो इसमें से कोई भी स्मेल नहीं आती है ठीक है इसी तरह से ओलफैक्ट्री इंडिकेटर्स का सेकेंड एग्जाम्पल है क्लोव ऑयल यानी कि लोंग का तेल इसे हिंदी में लोंग का तेल कहा जाता है क्लोव ऑयल जब एसिड के कॉन्टेक्ट में आएगा तो इसकी स्मेल जो है वो इंक्रीज हो जाती है ठीक है और जब क्लोव ऑयल बेसिस के कॉन्टेक्ट में आएगा तो इसकी स्मेल जो है वो डिक्रीज यानी कि कम हो जाती है ठीक है इंडिकेटर्स यहां पर हो गए हमारे कंप्लीट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज तो सबसे पहले इसमें है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स एंड बेसिस मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा और मेटल बेसिस के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट में क्या बनाएगा तो सबसे पहले देखते हैं मेटल और एसिड का रिएक्शन तो एसिड और मेटल जब रिएक्शन करेगा तो हमें प्रोडक्ट में मिलेगा सोल्ट और हाइड्रोजन गैस ठीक है एग्जाम्पल से समझते हैं इसे एसिड की जगह पर हम लेते हैं एच सी एल एच सी एल एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेटल में हमने लिया जिंक जब जिंक को एच सी एल में डाला जाएगा तो ये हमें प्रोडक्ट क्या देगा जेड एन सी एल और हाइड्रोजन गैस ठीक है और यहां पर आप ये भी देख सकते हैं कि जेड एन यहां पर है जेड एन ने एच सी एल में से एच को ही रिमूव कर दिया यानी कि इसे डिस्प्लेस कर दिया और ये एच की जगह खुद आके जेड एंड सी एल बनाता है तो ये किस तरह का रिएक्शन हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ठीक है और ये जेड एंड सी एल जिंक क्लोराइड ये एक सोल्ट होता है ठीक है और हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज होगी इसी तरह से जब मेटल बेसिस के साथ रिएक्शन करेगा तो बेस और मेटल दोनों रिएक्शन करेंगे तो हमें प्रोडक्ट में देंगे सोल्ट और हाइड्रोजन ठीक है इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं बेस में हमने लिया सोडियम हाइड्रो यानी कि एन और मेटल में लिया हमने Zn। जब NaOH में जिंक को डाला जाएगा तो ये बनाएगा प्रोडक्ट में हमें देगा Na2ZnO2 यानी कि यानि सोडियम जिंकेट। ठीक है लिख देता हूं मैं यहां पर सोडियम जिंकेट और साथ में हाइड्रोजन गैस और ये जो सोडियम जिंकेट है ये है सोल्ट ठीक है और हाइड्रोजन गैस इसके साथ में रिलीज होगी निकल जाएगी इसमें से ठीक है तो दोनों कंडीशन में देख सकते हैं जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सोल्ट और हाइड्रोजन बनती है और मेटल जब बेसिस के साथ रिएक्शन करता है तो भी सोल्ट और हाइड्रोजन गैस ही प्रोडक्ट में हमें मिलती है तो जो ये हाइड्रोजन गैस मिल रही है हमें दोनों कंडीशन में इसको हम किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं चेक कर सकते हैं ये देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पर सो so, पीछे वाले रिएक्शन में जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी उसे किस तरह से टेस्ट किया जा सकता है तो टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स इट ब्रस्ट विद पोप साउंड हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हो रही थी पीछे वाले रिएक्शन में उसे चेक करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम उसके गैस बबल्स बनाएंगे ठीक है हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनाएंगे जब उसके पास बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे तो वो पोप साउंड के साथ ब्रस्ट हो जाएंगे फट जाएंगे पोप साउंड करते हुए ठीक है तो गैस बबल्स किस तरह से बनाएंगे तो सपोज कीजिए ठीक है इस तरह से हमें सेटअप करना है टेस्ट ट्यूब लेनी है इसमें हमें एच और जिंक ग्रेन्यूल्स लेने ये दोनों रिएक्शन करके इनमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और हाइड्रोजन गैस इस पाइप की सहायता से इस पाइप में से जाएगी और इस सोपी वाटर ये वोटर कैसा होना चाहिए सोपी इस सोपी वाटर में जाएगी अंदर जो है गैस रिलीज होगी और बाहर जो निकलेगी वो बबल्स में पैक होकर निकलेगी जैसे ही इस बबल्स के पास हम कैंडल लेके आएंगे तो ये पोप साउंड के साथ ब्रस्ट हो जाएगी ठीक है तो हम कहेंगे कि ये गैस कौन सी थी जो रैपिडली बर्न हो रही है ये है हाइड्रोजन गैस अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विद एसिड्स एंड बेसिस मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का रिएक्शन एसिड्स और बेसिस के साथ किस तरह से होगा सो so, एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें प्रोडक्ट में मिलेगा सोल्ट सी गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और एच यानी कि वोटर इसे एग्जाम्पल से समझते हैं पहले हम देखते हैं मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है तो एसिड ले लिया है हमने HCl और मेटल कार्बोनेट लिया है सोडियम CO3 यानी कि कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट ठीक है HCl और सोडियम कार्बोनेट रिएक्शन करके बनाएंगे NaCl NaCl ये है सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है और CO2 गैस और वाटर ठीक है इसी तरह से जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा तो यहाँ पर एसिड लिया है हमने एच और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में लिया है हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ठीक है एच और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन करके फिर से एन यानी कि सोल्ट सोडियम क्लोराइड ये सोल्ट बनेगा सी गैस और एच यानी कि वॉटर बनेगा ठीक है और जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं वो बेसिस के साथ रिएक्शन नहीं करते तो यहाँ पर लिख दिया है मैंने बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ठीक है बेसिस के साथ ये रिएक्शन नहीं करते हैं अब इन दोनों कंडीशन में जो गैस रिलीज हो रही है ये सी गैस जो रिलीज हो रही है इन दोनों कंडीशन में तो कार्बन डाइऑक्साइड का आ जाता है इसे सी इसे किस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं वो देखते हैं नेक्स्ट पेज पर पीछे वाले रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही थी उसे किस तरह से टेस्ट किया जाएगा ये देखते हैं सो टेस्टिंग ऑफ सीओ टू कैन बी टेस्टेड पासिंग इट लाइम टेड को टेस्ट किया जा सकता है उसे लाइम वॉटर से गुजार के सो लाइम वॉटर होता है सी यानी कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड ये होता है लाइम वाटर जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे तो ये प्रोडक्ट में बनाएगा सी और एच टू ओ और जो ये सोल्यूशन होता है सी ए ओ एच ये जो है कलरलेस सोल्यूशन होता है यानी कि वॉटर की तरह देखने में हमें ये कलरलेस जिसका कोई कलर नहीं होता है ठीक है जब इससे में से सीओ टू को पास किया जाएगा तो ये मिल्की हो जाता है यानी कि मिल्की हो जाएगा यानी कि वाइट कलर का सोल्यूशन हो जाएगा ठीक है तो ये बनेगा सी ए सीओ थ्री मिल्की ठीक है अब इसमें से और भी सीओ टू हम अभी भी इसमें से लगातार सीओ टू पास कर रहे हैं जब ये प्रोडक्ट हमें बन जाता है तो ये सी ए सी ओ थ्री और एच टू ये आ गया यहां पर सी ए पर थ्री और एच टू अभी भी हम इसमें से सीओ टू यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर रहे हैं तो ये प्रोडक्ट में बनाएगा फिर आगे जाके सी एच सी ओ थ्री कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट जो होता है ये भी कलरलेस होता है सो so, तो हम किस तरह से पहचान सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को जब उसे लाइम वाटर से हम पास करेंगे तो लाइम वाटर अगर मिल्की हो जाता है ठीक है और वापस फिर से कलरलेस हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो गैस होगी वो होगी हमारी सीओ टू यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है एसिड्स एंड बेसिस की नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ एसिड एसिड्स एंड बेसिस विद ईच अदर कि कोई भी एसिड और बेसिस दोनों मिलकर रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे ठीक है तो कोई भी एसिड और बेस ये दोनों रिएक्शन करके हमेशा हर कंडीशन में क्या बनाएंगे सोल्ट और एच टू एच टू यानी कि वाटर बनाएंगे ठीक है एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका एसिड हमने लिया है एच और बेस में लिया है हमने एन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो बनेगा एन यानी कि सोडियम क्लोराइड और प्लस में एच टू यानी कि वाटर जो ये NaCl होता है ये होता है सोल्ट और वाटर एज इट इज बनेगा ही सभी कंडीशन में ठीक है और 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 इस इस तरह का इस तरह का रिएक्शन रिएक्शन जिसमें एसिड बेस मिलकर H2O बनाए के को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसकी डेफिनेशन मैंने यहां पर लिख दी है तो इसे पढ़ लेते हैं एक बार वेन एन एसिड एंड बेसिस रिएक्ट टू फॉर्म वॉटर एंड सोल्ट कोल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब कोई एसिड या बेस रिएक्ट करके वाटर और सोल्ट बनाता है प्रोडक्ट में तो उसे कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दोनों रिएक्शन करके एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी एक दूसरे की एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी को फिनिश कर देते हैं खत्म कर देते हैं इसीलिए इसे कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ठीक है और इसमें क्या क्या होता है इट इन्वॉल्व हाइड्रोजन प्लस आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस टू जनरेट वाटर आप यहां पर देखेंगे यहां पर एच में क्या होता है हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस और बेसिस में क्या होता है ओ नेगेटिव आयंस ये दोनों मिलकर ये दोनों आयंस मिलकर साथ में वाटर भी बनाएंगे इसके साथ साथ ठीक है नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं एसिड्स और बेसिस की जिसमें है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड मेटेलिक ऑक्साइड्स का एसिड्स के साथ क्या रिएक्शन क्या होता है तो सबसे पहले देखते हैं मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है कोई भी मेटल है उसका ऑक्साइड यानी कि उसके साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा होगा तो उसे हम कहेंगे मेटेलिक ऑक्साइड और जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर जो है वो बेसिक होता है एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर कैल्शियम मेटल है और ऑक्सीजन ठीक है तो ये क्या बनेगा मेटेलिक ऑक्साइड यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड इसी तरह से मैग्नीशियम मेटल के साथ ओ लगा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी एक मेटेलिक ऑक्साइड है तो ये मेटेलिक ऑक्साइड और एसिड रिएक्शन करके क्या बनाएगा सो तो कोई भी एसिड है या कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड ये दोनों रिएक्शन करके हमेशा सोल्ट बनाएंगे और एच टू ओ तो यहां पर आप देख सकते हैं ये एसिड है और ये बेसिक नेचर का है तो एसिड और बेसिक नेचर हमेशा क्या करते हैं सोल्ट और एच टू ओ बनाते ही हैं। हम पीछे वाले पेज पर पढ़ चुके हैं ठीक है तो वही कंडीशन है यहाँ पर तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है मैं लिख देता हूं तो एसिड में ले, ले लेते हैं हम एच सी एल एच सी एल एसिड और मेटेलिक ऑक्साइड ले लेते हैं सी ए ओ एसिड आ गया एच सी एल और सी ए ओ आ गया हमारा मेटेलिक ऑक्साइड तो एच सी एल और सी ए ओ रिएक्शन करके बनाएंगे सी ए सी एल कैल्शियम क्लोराइड सी ए सी एल टू और प्लस में एच टू ओ इस चीज का ये निर्माण करेंगे प्रोडक्ट में हमें मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड जो कि एक सोल्ट है और एच टू ओ वाटर अब इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर कैल्शियम कैल्शियम एक एक है ऑक्सीजन ऑक्सीजन इनके भी एक एक एटम्स हैं यहाँ पर एच एच का एक है और सी का भी एक है यहाँ पर एच के दो हैं और सी के भी दो हैं तो यहाँ पर जैसे ही हम टू पुट करेंगे ये हो जाएगी हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस ठीक है ये एग्जाम्पल हो गया इसका अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विद बेसिस जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते, होते हैं वो बेसिस के साथ किस तरह से रिएक्शन करते हैं तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के बारे में मैं बता दूं ये एसिडिक नेचर के होते हैं एसिडिक नेचर होता है इनका और कोई भी एसिडिक सब्सटेंस ये एसिडिक सब्सटेंस अगर बेसिस के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बिल्कुल वैसा ही होगा बेस और ये हो गया हमारा एसिडिक नेचर तो बेस और एसिड मिलके क्या बनाएंगे सोल्ट और एच तो ये रिएक्शन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट वाला रिएक्शन था कुछ वैसा ही हो जाएगा ठीक है तो बेस है हमारा यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बेस है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड नॉन मेटेलिक नॉन मेटल क्या होता है सी और ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगी तो सीओ टू कार्बन डाइऑक्साइड ये एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो गया ठीक है तो बेस कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड जब इसके साथ नॉन मेटल जो कि CO2 टू ये एसिडिक नेचर का होता है ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो हमें बनाएंगे सी ए सी ओ थ्री कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक सोल्ट होता है और साथ में एच टू ठीक है अब है वट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन अगर हम सभी एसिड्स की बात करें कि सभी एसिड्स में क्या चीज कॉमन होती है और अगर सभी बेसिस की बात करें कि सभी बेसिस में क्या चीज कॉमन होती है तो सबसे पहले देखते हैं ऑल एसिड्स सभी एसिड्स में क्या चीज कॉमन होती है तो सभी एसिड्स में ऑल एसिड्स है हाइड्रोजन प्लस आयन सभी एसिड कोई भी एसिड होगा उसमें एच प्लस आयंस होंगे ही होंगे ये चीज इसमें कॉमन होती है ठीक है हाँ उनकी संख्या ज्यादा या कम हो सकती है अगर स्ट्रोंग एसिड है तो हाइड्रोजन प्लस आयंस ज्यादा होंगे अगर एसिड है तो उसमें हाइड्रोजन प्लस आयंस कम होंगे ठीक है सेकंड है दीज एच प्लस आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज ये जो हाइड्रो हाइड्रोजन आयंस होते हैं ये ही उत्तरदायी यानी कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी सब्सटेंस की एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए ठीक है अब बात करते हैं बेसिस की बेसिस में क्या कॉमन होता है ऑल बेसिस है हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयंस सभी बेसिस में हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं ठीक है अगर स्ट्रांग बेस होगा तो हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स ज्यादा होंगे अगर वीक बेस होगा तो हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स कम होंगे ठीक है एंड दीज हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक नेचर यही हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स ही किसी भी बेस के बेसिक नेचर होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं यानी कि हम कह सकते हैं कि हाइड्रो ऑक्साइड आयंस की वजह से ही कोई सब्सटेंस बेसिक नेचर का होता है एसिड्स एंड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट है एसिड्स एंड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन एसिड और बेसिस वाटर सॉल्यूशन में हमें क्या प्रोडक्ट देंगे सो सबसे पहले है एसिड्स एसिड्स में होते हैं हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस जब हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस वाटर में जाते हैं तो वो हमें प्रोडक्ट में देंगे एच थ्री ओ पॉजिटिव और जो ये एच थ्री ओ पॉजिटिव होता है इसे कहा जाता है हाइड्रोनियम आयंस ठीक है इसे इस तरह से समझ लेते हैं

अलोन अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं यानी कि इस फॉर्म में ये नहीं रहते हैं दे एग्जिस्ट एज एच थ्री ओ पॉजिटिव जो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन्स है ये इस फॉर्म में नहीं रहते हैं ये किस फॉर्म में, में, कि में रहते हैं एच थ्री ओ पॉजिटिव फॉर्म में यानी कि हाइड्रोनियम आयंस की फॉर्म में रहते हैं ये ठीक है अब देख लेते हैं बेसिस बेसिस को वोटर सोल्यूशन में पुट किया जाएगा तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा सो so, बेसिस बेसिस वैन डिजोल्व इन वाटर गिव ओ एच नेगेटिव आयन्स जब बेसिस को वाटर सोल्यूशन में एड किया जाएगा तो हमें देंगे हाइड्रो ऑक्साइड आयंस इसे यहां पर देख लेते हैं एग्जाम्पल की सहायता से तो यहां पर है एन ए ओ एच यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जो एक बेस होता है जब इसमें वाटर ऐड किया जाएगा तो ये सोडियम पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव अलग अलग हो जाएंगे डिकम्पोज हो जाएंगे ये यहाँ पर ठीक है सिंगल प्रोडक्ट दो अलग अलग प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाएगा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में यूनिवर्सल इंडिकेटर यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है इट इज मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स ये कई सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है इंडिकेटर्स के बारे में आप चैप्टर के शुरू में पढ़ चुके हैं जैसे कि इंडिकेटर्स जैसे कि लिटमस पेपर, फिर कुछ इसी तरह के इंडिकेटर्स का ये मिक्सचर होता है इट शो डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंस कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस इन सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस का कंसनट्रेशन कितना है उसी के अकॉर्डिंग ये अलग अलग कलर शो करता है ठीक है और यूनिवर्सल इंडिकेटर जिसे कहा जाता है पी एच इसमें पी का मतलब होता है पावर और एच का मतलब हाइड्रो पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन्स की पावर कितनी है उसके अकॉर्डिंग ही ये कलर शो करता है ये दिखने में इस तरह का होता है ठीक है और इस तरह का और इसमें रीडिंग होती है जीरो से लेके फोर्टीन तक ठीक है इसमें जो सेवन पर है यहां पर न्यूट्रल होता है अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो यहां इस तरफ में एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है अगर हम सेवन से राइट हैंड साइड जाएंगे तो बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है अब आप कहेंगे कि जो बेसिस होते हैं उसमें हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस तो होते ही नहीं है और जो पीएच है वो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग ही कलर शो करता है तो बेसिस की प्रॉपर्टीज बेसिस का जो कलर है वो हमें कैसे मिलता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो एसिड्स होते हैं या जो बेसिस होते हैं दोनों में हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस भी होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयंस भी होते हैं इसको समझने के लिए देखते हैं हम ये ये वाला इसमें आप देखेंगे कि ये जीरो से और जो हाइड्रो ऑक्साइड कंसंट्रेशन हमें शो कर रखा है व्हाइट कलर में तो आप देखेंगे जब सेवन से कम है सेवन से कम इस तरफ एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है आप ये भी देखेंगे कि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन्स का कंसेंट्रेशन भी इंक्रीज हो रहा है और इसमें हाइड्रो ऑक्साइड सेवन से कम में ये वाइट एरिया भी है यानी कि पर भी हैं ठीक है लेकिन उनका हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन से कम है है ठीक इसलिए ये एसिडिक नेचर के होते हैं अब आप सेवन से राइट हैंड साइड में जाएंगे तो बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है और ये भी देखेंगे कि यहाँ पर जो हाइड्रो ऑक्साइड आयन का एरिया इंक्रीज हो रहा है कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है और हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन का कंसेंट्रेशन यहां पर डिक्रीज हो रहा है यानी कि यहां पर भी हाइड्रोक्साइड आयंस आयन्स भी हैं और हाइड्रोजन आयंस भी हैं ठीक है अगर यहां पर याद देख सकते हैं आप कि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन्स का कंसंट्रेशन बहुत कम है एज कंपेयर टू हाइड्रो ऑक्साइड आयंस इसीलिए ये जो सब्सटेंस होंगे सेवन से इस तरफ वो बेसिक नेचर के होंगे ठीक है पीछे वाले पेज पर हमने समझा पीएच स्केल के बारे में अब देखते हैं यूजेज या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ पी एच इन एवरीडे लाइफ हमारी एवरीडे लाइफ में पी एच के यूज क्या होते हैं या फिर इम्पोर्टेंस क्या होते हैं ये जरूरी क्यों होता है हमारी लाइफ में तो इससे पहले आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो पी एच है उसको हम डिजिटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ इस तरह के गैजेट्स आते हैं जो ज़्यादातर आर ओ टेक्नीशियंस के पास अवेलेबल होते हैं इससे हम डिजिटली पी एच कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है उसमें रीडिंग आएंगे जीरो से फोर्टीन जैसा इसमें आप देख सकते हैं फोर पॉइंट फोर्टी पी एच रीडिंग आई हुई है इस तरह से ये शो करता है ठीक है अब देखते हैं यूज या फिर इम्पोर्टेंस फर्स्ट है इसमें आवर बॉडी वर्क बिटवीन पी एच सेवन टू सेवन पॉइंट एट हमारी जो बॉडी है वो सेवन से लेके सेवन पॉइंट एट तक के पी एच के बीच में काम करती है अगर हमारा पीएच लेवल सेवन से कम या फिर सेवन पॉइंट एट से ज्यादा हो जाए तो हम हेल्दी फील नहीं करेंगे नेक्स्ट है इसमें पीएच ऑफ रेन लेस देन फाइव पॉइंट सिक्स कोल्ड एसिड रेन अगर कोई रेन है रेन हो रही है तो उस रेन वॉटर का पीएच लेवल फाइव पॉइंट सिक्स से अगर कम हो गया तो उसे एसिड रेन डिक्लेयर कर दिया जाता है ठीक है यानी कि वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है ठीक है थर्ड है अवर स्टमक प्रोड्यूस एच सी एल हमारी जो स्टमक होती है पेट में हमारे एच सी एल प्रोड्यूस होता रहता है जो भी हम भोजन खाते हैं फूड लेते हैं उसमें से एच सी एल लगातार रिलीज होता रहता है यानी कि हमारे जो स्टमक है उसका पीएच लेवल जो है वो वन या फिर वन पॉइंट टू के बीच में कहीं होता है ठीक है नेक्स्ट है टूथ डी के स्टार्ट वेन पीएच ऑफ माउथ लेस देन फाइव पॉइंट फाइव अगर हमारे माउथ का पी एच लेवल फाइव पॉइंट फाइव से कम हो जाएगा टूथ तो डी के यानी कि हमारे दांतों का धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगा और इससे बचने के लिए हमें दो टाइम सुबह और शाम ब्रश करनी पड़ेगी ठीक है Next है, प्लांट नीड स्पेसिफिक को अलग अलग तरह के प्लांट्स को अलग अलग तरह के पीएच की आवश्यकता होती है उनकी हेल्थी ग्रोथ के लिए ठीक है नेक्स्ट सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स और एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर इससे जो प्लांट सॉरी एनिमल्स है वो अपना सेल्फ डिफेंस भी करते हैं आपने देखा होगा हनी भी हनी भी यानी कि मधुमक्खी मधुमक्खी मधु किसी को काट लेती है तो वहां पर सूजन आ जाती है तो उसका कारण क्या होता है क्योंकि मधुमक्खी जो होती है उसका स्टिंग हमारी बॉडी में रह जाता है स्टिंग यानी कि जो डंक होता है वो हमारी बॉडी में रह जाता है और उस स्टिंग से मैथोनिक एसिड लगातार रिलीज होता रहता है और ये एसिड जो है बहुत पेनफुल होता है ये रिएक्शंस करता है हमारे बॉडी सेल्स के साथ और हमें बहुत पेन करता है ठीक है एसिड्स और बेसिस के सभी कॉन्सेप्ट हो चुके हैं हमारे कंप्लीट अब हम देखेंगे सोल्ट के बारे में सोल्ट क्या होता है सोल्ट इज एन आइनिक कंपाउंड फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सोल्ट एक आइनिक कंपाउंड होता है जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से तैयार होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम पीछे पड़ चुके हैं फिर भी यहां पर देख लेते हैं जब कोई एसिड या बेस जब एसिड और बेस मिलकर सोल्ट और एच टू यानी कि वॉटर बनाएंगे तो उसे कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इस रिएक्शन में हमें सोल्ट भी मिल जाता है ठीक है सोल्ट के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं एग्जाम्पल है यहाँ पर एन ए सी एल यानी कि सोडियम क्लोराइड और सी ए सी एल यानी कि कैल्शियम क्लोराइड और जो सोडियम क्लोराइड यानी कि एनए सी एल जो होता है उसको हम किचन में यूज करते हैं साधारण नमक जो कॉमन सोल्ट होता है वो एन ए सी एल ही होता है जिसे हम फूड्स वगैरह में यूज करते हैं ठीक है अब केमिकल्स फ्रॉम सोल्ट सोल्ट से हम कुछ केमिकल्स प्रिपेयर करते हैं तो उनकी लिस्ट यहां पर दी गई है एक से लेके पांच तक इन ये केमिकल्स प्रिपेयर किए जाते हैं सोल्ट का यूज करते हुए और इनको हम नेक्स्ट पेजेस पर पढ़ेंगे वन बाय वन करके डिटेल में कैसे ये प्रिपेयर किए जाते हैं और इनके यूजेज क्या क्या है सो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर सोल्ट से हम कौन कौन से केमिकल्स बनाते हैं उसमें फर्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH और इसे कोस्टिक सोडा भी कहा जाता है इसे प्रिपेयर किस तरह से किया जाता है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इट डीकंपोजेस टू फॉर्म NaOH जब एन के एक्वस सोल्यूशन यानी कि एन और वॉटर वॉटर के साथ इसका सोल्यूशन जो होता है उसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो ये डिकम्पोज हो जा हो जाता है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये डिकम्पोज हो जाता है इसकी केमिकल रिएक्शन किस तरह से होगा तो NaCl हमारे पास है NaCl सोडियम क्लोराइड और H2O यानी कि ये एक्वस सोल्यूशन है जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन में और H2 यानी कि हाइड्रोजन में और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो क्लोरीन गैस है वो एनोड पर रिलीज होगी ठीक है क्लोरीन गैस जो है A4 एनोड पर रिलीज होगी हाइड्रोजन जो गैस है वो कैथोड यानी कि C4 कैथोड पर रिलीज होगी और जो ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये जो सॉल्यूशन है ये प्रीपेयर होगा कैथोड के पास ठीक है जहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी उसी के पास ये सॉल्यूशन तैयार होगा ठीक है देखते हैं इसके यूज़ेस सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के यूजेस सो फर्स्ट है इसमें इट यूज टू मेक सोप्स एंड डिटर्जेंट सोडियम हाइड्रो जो है इसका यूज किया जाता है सोप्स में और डिटर्जेंट यानी कि साबुन और डिटर्जेंट्स बनाने में इसका यूज किया जाता है सेकेंड है इट यूज इन पेपर मैन्युफैक्चर पेपर मैन्युफैक्चर में भी इसका यूज किया जाता है थर्ड है इट यूज इन ऑयल रिफाइनिंग ऑयल की रिफाइनिंग जो हमारा क्रूड ऑयल होता है उसको रिफाइन करने में पेट्रोल अलग डीजल अलग और अलग अलग तरह की जो भी चीजें होती हैं क्रूड ऑयल में उनको रिफाइन करने में इसका यूज किया जाता है फोर्थ है इट यूज इन पीवीसी वी मैन्युफैक्चर जो पीवीसी पाइप्स या पीवीसी प्लास्टिक होता है उनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज किया जाता है फिफ्थ है इसमें ऑल्सो यूज एज पेस्टिसाइड्स जो कीटाणु होते हैं किसी भी पौधों में या और कहीं पर उनको खत्म करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है ठीक है सोल्ट से हम जो केमिकल बनाते हैं उसमें सेकेंड है ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है सी एओ सी एल टू ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम जब स्लेक्ड लाइम लाइम होता है सी ए ओ एच यानी कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम स्लेक्ड लाइम में जब क्लोरीन गैस गुजारी जाती है उसे पास की जाती है तो हमें मिलता है cao cl ये होता है ब्लीचिंग पाउडर और उसके साथ साथ मिलता है हमें H2O यानी कि वॉटर ठीक है तो ये यहाँ पर प्रिपेयर होता है लाइम और cl गैस के द्वारा ठीक है इसके यूजेस के बारे में देखते हैं इसका फर्स्ट यूज है ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन इंडस्ट्रीज जो कपड़े कपड़े की इंडस्ट्रीज होती हैं कॉटन और लाइनन को ब्लीचिंग करने के लिए यूज किया जाता है सेकंड है ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज जो वुड पल्प यानी कि जो लकड़ी होती है जिससे पेपर बनाया जाता है उसके पल्प को ब्लीच यानी कि साफ करने के लिए इसका यूज किया जाता है फोर्थ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज केमिकल इंडस्ट्रीज जो होती है उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के तौर पर भी इसका यूज किया जाता है फोर्थ है डिस इन्फेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो इस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है ठीक है सोल्ट से जो हम केमिकल बनाते हैं उसमें थर्ड है बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है एन ए एच सी ओ थ्री यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसे किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है सो एन ए सी एल यानी कि सोडियम क्लोराइड के साथ वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया एनएच फोर होता है अमोनिया इन सब का रिएक्शन जब कराया जाता है इकट्ठा तो हमें प्रोडक्ट में मिलता है अमोनियम क्लोराइड और एन ए एच सी ओ थ्री यानी कि बेकिंग सोडा ठीक है और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा सो इसमें प्रॉपर्टीज है इट इज माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस ये माइल्ड यानी कि सॉफ्ट होता है बहुत ज्यादा और नॉन कोरोसिव बेस यानी कि ये बहुत लंबे समय तक चलता है कभी खराब नहीं होता है सेकेंड है इसमें वेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग जब कुकिंग के दौरान इसे हीट किया जाता है सो so, इसका यूज आप समझ सकते हैं कुकिंग में होता है तो जब इसे कुकिंग के दौरान हीट किया जाता है सो so, यहाँ पर है एन एच सी ओ थ्री यानी कि बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा को जब हीट किया जाएगा तो ये डॉम्पोज हो जाता है तीन अलग अलग सबस्टेंसेज में फर्स्ट है एनए टू सीओ थ्री यानी कि सोडियम कार्बोनेट में वॉटर में और सीओ टू गैस में और ये सीओ टू बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसका यूज कैसे होता है सीओ टू का बात करेंगे आगे सो बेकिंग सोडा के यूज के बारे में देखते हैं इसका फर्स्ट यूज है एन इंग्रेडिएंट एंटेसिड जो एंटेसिड होते हैं उसमें इंग्रेडिएंट के तौर पर इसका यूज किया जाता है एंटेसिड वो होते हैं जब किसी को एसिडिटी होती है तो एंटेसिड राहत उसको आराम पहुंचाने के लिए यूज किए जाते हैं तो उसमें एंटेसिड में बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है यानी कि आप कॉमनली जब एसिडिटी होती है किसी को तो सभी इनो प्रीफर करते हैं तो आप कह सकते हैं कि बेकिंग सोडा जो है वो इनो में यूज किया जाता है ठीक है सेकेंड यूज इन फायर एक्सटिंग जो फायर एक्सटिंग होते हैं आग बुझाने वाले यंत्र उनमें भी इसका बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ठीक है और ये बहुत अच्छी गैस होती है आग बुझाने के लिए ठीक है सीओ टू आग आसानी से बुझा देती है ठीक है थर्ड है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर इसका यूज बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए ठीक है और बेकिंग पाउडर कैसे बनता है बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड दोनों मिलकर जो है वो बेकिंग पाउडर बनाते हैं और बेकिंग पाउडर का यूज पढ़ते हैं बेकिंग पाउडर का यूज जो है यूज इन ब्रेड्स एंड केक्स टू मेक इट सॉफ्टी एंड स्पंगी ब्रेड्स और केक्स में बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है उनको सॉफ्ट सॉफ्ट और स्पंजी बनाने के लिए ठीक है और स्पंजी ये किस वजह से बनता है बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही ये स्पंजी बनता है ठीक है सोल्ट से जो केमिकल बनाए जाते हैं उसमें फोर्थ है वॉशिंग सोडा वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है एन ए टू सी ओ थ्री टेन एच टू ओ इसे हम केमिकल नेम में बोलेंगे तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट टेन का मतलब होता है डेका ठीक है और एच टू ओ मीन हाइड्रेट यानी कि इसमें दस मोलिक्यूल होते हैं वोटर के टेन मोलिक्यूल्स ऑफ वॉटर ठीक है इसे किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा जो सोडियम कार्बोनेट होते हैं इनके दोबारा से इसमें वाटर ऐड किया जाता है और दोबारा से इसके क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं ठीक है जब इसमें दोबारा से वाटर ऐड किया जाता है तो इसमें टेन मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर आ जाते हैं और ये सोडियम कार्बोनेट बन जाता का जिसे वॉशिंग सोडा कहा जाता है इट इज बेसिक सोल्ट ये सोल्ट होता है लेकिन किस टाइप का किस नेचर का? बेसिक नेचर का, का बेसिक ये ने होता है सो so, इसे रिएक्शन के तरह से समझते हैं किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है तो ये है सोडियम कार्बोनेट जब इसमें टेन मोलिक्यूल ऑफ वॉटर एच टू ओ यानी कि वोटर इसमें टेन मोलिक्यूल ऑफ वॉटर एड किया जाता है तो ये बनता है एन ए टू सी ओ थ्री टेन एच टू ओ टेन एच टेन का मतलब होगा डेका एच टू मतलब हाइड्रेट तो इसे बोला जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट ठीक है इसके यूजेस देख लेते हैं नाम से ही आप समझ गए होंगे वॉशिंग सोडा यानी कि वॉशिंग में इसका यूज किया जाता है फिर भी देख लेते हैं सारी चीज इट यूजेज इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज ग्लास इंडस्ट्रीज में ग्लासेज की सफाई के लिए सोप इंडस्ट्रीज में डिटर्जेंट्स वगैरह बनाने के लिए और पेपर इंडस्ट्रीज में पेपर की सफाई के लिए इसका यूज किया जाता है सेकेंड है मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स इसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा लेकिन इसका यूज़ किस चीज़ के लिए भी किया जाता है बोरेक्स एक सब्सटेंस होता है तत्व होता है जिसको मैन्युफैक्चर करने के लिए इसका यूज किया जाता है फोर्थ में है क्लीनिंग एजेंट इन हाउसेज हम घर में जो साफ सफाई करते हैं उसमें कपड़े धोना हुआ या बर्तन साफ़ करना हुआ उन सभी में वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है फोर्थ है इसमें रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वोटर वोटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है ठीक है सोल्ट से जो हम केमिकल्स बनाते हैं उसमें फिफ्थ है प्लास्टर ऑफ पेरिस इसे पीओपी भी कहा जाता है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है सी एसओ फोर हाफ एच टू ओ इसका केमिकल नेम जो बोलेंगे वो होगा कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट का होता है हाफ और एच टू ओ हाइड्रेट तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट ठीक है इसे किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है व्हेन हीटिंग जिप्सम जिप्सम के बारे में बता देता हूँ जिप्सम एक हार्ड सब्सटेंस होता है जो कि सीमेंट वगैरह में यूज किया जाता है ये बहुत जल्दी सूख जाता है और एक टफ टफ हो जाता है जैसे सीमेंट हो जाती है तो सीमेंट में जिप्सम का यूज किया जाता है ठीक है इसका केमिकल फार्मूला जो होता है वो होता है CaSO42H2O जिसे मैंने बॉक्स में यहां पर बंद कर दिया गया है ठीक है So, when heating gypsum, gypsum को जब हिट किया जाता है एट हंड्रेड डिग्री डिग्री थ्री कैलवीन पर इट लूज वॉटर मोलिक्यूल एंड बिकम पीओपी ये वॉटर मोलिक्यूल जिप्सम जो है वो वॉटर मोलिक्यूल त्याग देता है और बनता है पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इसमें वॉटर मोलिक्यूल जो होता है वो लूज कर देता है तो आप यहां पर देखेंगे सी एसओ फोर यहां पर भी सी एसओ फोर है यहां पर भी सी एस ओ फोर अंतर क्या है इसमें यहां पर है हाफ और यहां पर है टू तो इस टू मोलिक्यूल्स में से वन एंड हाफ यानी कि डेड वॉटर का मोलिक्यूल जब ये लूज कर देगा तो ये बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस ठीक है इसमें आगे है इट इज अ व्हाइट पाउडर ऑन मिक्सिंग विद वॉटर इट चेंजेस इन जिप्सम ये पी जो है ये एक व्हाइट पाउडर होता है जब इसे वॉटर के साथ मिक्स किया जाता है तो ये फिर से जिप्सम बन जाता है इसे केमिकली कैसे रिएक्शन के तौर पर कैसे लिखेंगे तो ये सी एस ओ फोर हाफ एच टू ओ यानी कि ये है हमारा पीओपी प्लस में वन एंड हाफ एच टू ओ यहाँ पर है हाफ एच टू ओ हाफ मोलिक्यूल ऑफ वॉटर यहां पर है वन एंड हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर यानी कि ये दोनों मिलकर हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर एंड वन एंड हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर दोनों मिलकर क्या बनाएंगे टू मोलिक्यूल ऑफ H2O दो मोलिक्यूल ये वाटर के बनाएंगे और सी एस ओ फोर एज इट इज रहेगा ये बन गया हमारा यहाँ पर जिप्सम ठीक है इसके यूजेस देख लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के सो इसमें फर्स्ट है डॉक्टर यूजिंग टू सपोर्ट फ्रैक्चर बोन्स डॉक्टर जो है फ्रैक्चर बोन्स यानी टूटी हुई हड्डियों को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पीओपी का यूज करते हैं ठीक है सेकेंड है फॉर मेकिंग टॉयज़ डेकोरेटिंग डेकोरेशन मटेरियल्स, टॉयज़ कई ऐसे टॉयज़ होते हैं जो कि व्हाइट पाउडर ऐसे पीओपी पी से बने होते हैं जो व्हाइट कलर के होते हैं उस पर पेंट किया जाता है ठीक है थर्ड है फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ सरफेस कोई सरफेस है घर में कोई दीवार वगैरह को स्मूथ करने के लिए वॉल्स को स्मूथ करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है